मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन को लेकर एक बैठक का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में जनपद के 20 विकास खंडों में चयनित 2-2 ग्राम पंचायतों को ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वित्तीय फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 40 ग्राम पंचायतों के अपशिष्ट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन हेतु अपशिष्ट का सर्वेक्षण एवं आकलन तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी गीले ठोस अपशिष्ट हेतु तकनीकी विकल्प, शुष्क ठोस अपशिष्ट पदार्थ उपचार में तकनीकी विकल्प के संबंध में वृहद जानकारी दी गई है। कार्यशाला का संचालन बच्चा सिंह, अंकित मिश्रा, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं यूनिसेफ के विशेषज्ञ कमलेश कुमार एवं शशि भूषण सिंह, नीर निर्मल परियोजना एवं ब्रिजेश कुमार तिवारी सहित चयनित 40 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SLW MK ब्रिजेश तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये बुक्स कितनी आई आपकी तरंग सर? ये सभी अच्छा, ये कॉपी आप इधर प्रधान जी को दे दीजिए, सबको दे दें। केस मैनेजमेंट आप देख रहे होंगे कि शायद अभी सबसे बड़ी जो अगली चीज़ को हमें देखना है, या गांव में या शहरों में मोहल्लों में जितना भी हमारा ये तरल पदार्थ या कूड़ा निकल रहा है या जितना भी ये सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, इसको करने को लेकर चैलेंज आएगा। तो उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये 3 कंसल्टेंट यहाँ पे हायर किए गए हैं, ये लगातार आपकी मदद करते हुए आपके गांव में ये कार्य शुरू कराएंगे और कंप्लीट कराएंगे। तो एक्सपर्ट उड़ीसा से भी आने वाले हैं अगले 10-15 दिन को। तो ये क्योंकि ये काम जो है ये एक एक्सपर्ट काम है, अभी तक हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ। तो पहले आपके गाँव चिन्हित हैं, तो इसीलिए आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए दिया गया है। जनसंख्या है, कितनी नालियाँ हैं, कितने ओपन ड्रेन है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उससे फिर हम लोग आपका आगे पूरी एक योजना बना के आपको दे दें, इस तरह से यहाँ ये चीज़ बनेगी, यहाँ ये चीज़ बनेगी, ऐसे कनेक्शन होगा, कितनी प्रोजेक्ट आएगी, कितना आपका बड़ा बनेगा, यहाँ पे रिसोर्स सेंटर बनेगा जिसमें ये हम लोग उसको सेग्रीगेशन करते हैं, कैसे उसको आप बेचोगे, कैसे उससे इनकम जनरेट होगी, और किस तरह से हमारे जो गाँव है एकदम स्वच्छ सुंदर बने। इंश्योर करता हूँ कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये आपके पहले काम होंगे, अगले 1-2 महीने में दिखे रहते हैं, नेक्स्ट उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि DM साहब इसको पूरा अपना पर्सनल ही देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सारे उसी ही के दिशा निर्देश में करवा के DM के द्वारा करके करते जा रहे हैं। वो 3GPM शुरू हो गई है द्वारा, पहले उन्होंने जो नई प्रक्रिया बनाई थी वो कर दी है, फाइनल हो गई है, और उसमें भी 3GPM दिखाने के लिए फोटो की टेक्निक की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सिवांश आप लोगों से चर्चा किया, और ये सर गांव के लोग बहुत फैमिलियर हैं, गोबर और गौमूत्र होता था, फिर उसके ऊपर पुआल डाल देते, तो लेयर बाय लेयर वो खाद बन जाती थी, जब भी निकालते थे तो ऐसा लगता था उसमें भाप आती थी, ऐसा लगता था बर्न ही हो रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट सिवांश खाद का है, और उसमें जो हमारे खेतों का अपशिष्ट है, जो गार्डन का अपशिष्ट है, उसको काट काट करके डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद बन करके तैयार हो जाती है, जो खेतों के लिए सबसे बेस्ट है, और ऑर्गेनिक खाद भी बन जाती है। ये है सर हमारा नेपेड का कॉन्सेप्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग का, जो केंचुए की खाद बनाते हैं। मैं ब्रिजेश तिवारी DPRC पे वरिष्ठ फैकल्टी हूँ, और ट्रेनिंग का पूरा पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग का काम मैं इस मंडल में देख रहा हूँ। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से ग्राम पंचायतों में लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट पे उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी है, और हमें उससे इनकम जनरेशन करना है, और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने यह प्रयास किया है कि जो हमारे परफॉर्मेंस ग्रांट के 32 ग्राम पंचायत हैं, अच्छा। साथ ही साथ विकास खंड से, हर विकास खंड से 2-2 ग्राम पंचायत मॉडल के रूप में लेके हम लोग जो वेस्ट है, चाहे सॉलिड के रूप में हो या लिक्विड के रूप में हो, उसके मैनेजमेंट पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हम लोग ये जिला स्तरीय कार्यशाला यहाँ पर किए हैं, और इसमें CDO साहब का उद्बोधन हुआ, बाकी हमारे एक्सपर्ट रहे शशि भूषण सिंह, उन्होंने बताया, और इसमें ग्राम पंचायतों में हम वेस्ट को कैसे इनकम के रूप में जनरेट करेंगे इस पर चर्चा हुआ, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो, चाहे वो कूड़े करकट के रूप में हो, उसको खाद गड्ढे के खाद बना के, बर्मी कंपोस्ट बना के, सोकपिट के रूप में उस दूषित पानी को हम प्रयोग करेंगे, और किचन गार्डन के माध्यम से भी हम इनकम जनरेट करेंगे, और ये ग्राम पंचायत में पहले हम मॉडल करेंगे, उसके बाद हम इस संख्या को बढ़ाते हुए 1233 जो भी हमारी ग्राम पंचायत है उन सबको कवर करेंगे। ये इसका एक प्रथम चरण था, जिसमें
एक जिला स्तरीय ओरिएंटेशन जिसमें हमारे पीजी के गांव और हर ब्लॉक से दो दो गांव के प्रधान और सचिव साथी आए थे, उनको पूरे विस्तार से प्रोजेक्टर और फिल्म के माध्यम से बताया गया। सर जो भी गांव में है जैसे पशु हैं, पशु के गोबर है जी, नालियाँ बहती हैं, नालियों में गंदा पानी जाता है, तालाब हैं, कुछ तालाब खत्म भी हो चुके हैं, हाँ उन स्थलों के लिए भी क्या है कुछ इसमें देखिए बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो गांव के गोबर हैं उसको हम लोग गोबर गैस प्लांट के रूप में कन्वर्ट करके और जो छोटे छोटे गोबर गैस प्लांट बनाएंगे जिससे हम छोटी जनता के गोबर को इकट्ठा करके जो वो मवेशी रखे हैं उससे गैस और बिजली दोनों उनको दे सकें, और जो इतनी महंगी गैस आज हम यूज कर रहे हैं तो हमारा जो वेस्ट है गोबर उससे हम जनरेट करके देंगे तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और हमारी जो प्रदूषण की समस्या है जो नालियों में गोबर लोग बहा देते हैं वो भी खत्म होगा, क्योंकि वो हमारा एक तो खाद बनेगा, दूसरा हमें उस गैस से बिजली और ईंधन दोनों मिलेगा, प्रकाश भी मिलेगा और उससे हमारे रसोई में भी काम आएगा। तो ये गोबर गैस प्लांट का भी हमारा इसमें प्लान है कि जो जहाँ हम मवेशी देखेंगे जिन ग्राम पंचायतों में तो हम वहाँ गोबर गैस प्लांट का भी प्रपोजल रखें कि उसको भी ग्राम पंचायत में एस्टेब्लिश किया जाए और इसका लाभ लोग ले सकें, जिससे गंदगी भी बचेगी और हमें इनकम भी जनरेट होगा, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा खाना भी बनेगा, और जो नालियों में लोग ये गोबर को मिसयूज करते हैं उससे हम इनकम जनरेट करेंगे। सर ये बात की इनकम का रोजगार का जी, किस तरह से इनकम मिलेगा रोजगार के इसमें देखिए, एक तो जैसे जो गोबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम जो मवेशी लोग रखें उनसे खरीदेंगे उससे उनको इनकम मिलेगा, और दूसरा जब हम उसमें ईंधन जनरेट करेंगे वो हम सप्लाई देंगे तो ग्राम पंचायत को इनकम होगी, और जब ग्राम पंचायत की इनकम होगी तो उससे हमें परफॉर्मेंस के रूप में सरकार से भी वित्तीय सहयोग मिलता है, जो परफॉर्मेंस ग्रांट बोलते हैं, जो कोई ग्राम पंचायत जब इनकम जनरेट करती है और ऑडिट कराती है कि हमें इतना इनकम किया है तो उस पर गवर्नमेंट पुरस्कार देती है कि आपकी ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो रहा है और पैसा लेकर और विस्तार से काम करिए, ग्राम पंचायत को बेहतर बनाइए, एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाइए। जो हमारे 17 मिलेनियम गोल जिसको हमें आच्छादित करना है, जिसमें भूख से फ्री, कोई बच्चा भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, सबको शिक्षा का अधिकार, ये सब हमें अचीव करना है, तो इन्हीं चरणों में चलते हुए हम ग्राम पंचायत की इनकम को जनरेट करते हुए रोजगार से आच्छादित करते हुए जो बेकार लोग हमारे गाँव में बैठे रहते हैं उनको रोजगार देंगे, और ये इस तरह से हमारा ग्राम पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित होगा। स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा फेज है ODF प्लस वाला, उसके अंतर्गत गोरखपुर में 40 गांव हर ब्लॉक में दो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें ये जो ठोस प्रबंधन और तरल प्रबंधन जो हमारा कूड़ा होता है गांव मतलब किसी भी जगह उसके लेके ये कार्यशाला की गई है, जिसमें संबंधित ग्राम के प्रधान जी और सचिव को बुलाया गया है और 3 कंसल्टेंट हायर किए गए हैं जो इसके लिए एक्सपर्ट हैं, और किस तरह से उस गांव में इसका प्रबंधन होगा, क्या क्या उसमें चीज़ें बनेगी, जैसे शेड है, ओपन ड्रेन कैसे ख़त्म किए जाएंगे, पोखरे की कैसे सफाई होगी, और जो ठोस प्रबंधन में उनका इकट्ठा करके कैसे उसको अलग अलग करके कैसे उसमें से आय जनरेट की जा सकती है पंचायतों के लिए, इनको लेके कार्यशाला आज शुरू हुई है, और इसके बाद हम लोग एक सर्वे कराएंगे उन गांव में, सर्वे के आधार पे DPR बना के इसको पूर्ण कराएंगे। सर कुछ गोबर गैस प्लांट है इस तरह के उत्पादन? गोबर गैस का प्लांट में गोवर्धन योजना के अंतर्गत हरिहर में जो हमारी हरिहर खजनी में जो हमारी एक गौशाला है उस गौशाला में हम लोग कार्य करेंगे, और उसके लिए आज एक मीटिंग की गई है और उसमें जो DPR है उसको बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे DPR बनेगा फर्दर उस पर कार्रवाई पंचायत द्वारा की जाएगी।